हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी अग्रवाल। आई विल टीच यू EVS। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेकेंड क्लास EVS बुक। आवर बुक इज ग्रो विद इन्वायरमेंटल स्टडीज, इट्स पब्लिकेशन हेडवर्ड। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है माई फैमिली एंड फर्स्ट, मेरा परिवार और एक। सो नाउ मेक ए थैंक यू कार्ड फॉर योर फैमिली टू थैंक देम फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर यू। आप अपनी फैमिली के लिए एक थैंक यू कार्ड तैयार करें, क्योंकि जो आपकी फैमिली है वो आपकी क्या करती है, केयर करती है। जो आपके मम्मा हैं वो आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, जो आपके पापा हैं वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाते हैं। सो इन सब चीज़ों का थैंक यू कहने के लिए आप एक थैंक यू कार्ड तैयार करें। ऐसा एक थैंक यू कार्ड तैयार करें आप, योर टीचर विल टेक यू फॉर ए शॉर्ट वॉक इन द स्कूल ग्राउंड्स। जो आपका टीचर है, आप उनके साथ थोड़ी देर के लिए स्कूल ग्राउंड में जाएं। अगर आपका टीचर आपके साथ नहीं है उस टाइम, तो आप अपनी मम्मा के साथ या पापा के साथ किसी ग्राउंड में जा सकते हैं या किसी पार्क में जा सकते हैं। सो कलेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट, वहाँ से कुछ चीज़ें स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कलेक्ट करें, जैसे कि लाइक फ्लावर पीटल्स, लीव्स, ट्विग्स, ये सब वहाँ से कलेक्ट करें और अपने कार्ड को सजाएं। आप अपने कार्ड को फ्लावर की पंखुड़ियों से भी सजा सकते हैं। पीटल्स में नहीं होता है पंखुड़ियाँ, और लीव्स में नहीं होता है पत्तियाँ, ट्विग्स में नहीं होता है टहनियाँ। तो आप अपने थैंक यू कार्ड को सजाने के लिए ये सब चीज़ें पार्क से कलेक्ट करें। ऑलराइट। सो नाउ हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़, यहाँ आप अपना नेम लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया सीता, आप अपना नेम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे। ओके नेक्स्ट, आई एम ए बॉय या गर्ल, आप जो भी हैं बॉय हैं तो बॉय लिखेंगे, गर्ल है तो गर्ल लिखेंगे। ओके नेक्स्ट, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आप जितने साल के हैं, 7 साल के हैं या 6 साल के हैं, आप जितने भी साल के हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया 7 ईयर्स ओल्ड। माई बर्थडे इज़ ऑन डैश, आपका बर्थडे जब भी आता है आप अपना बर्थडे की तारीख लिखेंगे यहाँ, जैसे मेरा बर्थडे आता है 1 जनवरी, तो मैंने यहाँ 1 जनवरी लिखा है। आपका बर्थडे जब भी आता है आप अपना बर्थडे लिखेंगे। आई स्टडी इन क्लास, जैसे आप सेकंड क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे सेकंड क्लास, आई स्टडी इन क्लास सेकंड। नेक्स्ट, द नेम ऑफ माई स्कूल इज डैश, आप अपने यहाँ स्कूल का नेम लिखेंगे, जैसे अपने स्कूल का नेम है MD चिल्ड्रन अकेडमी, तो मैंने लिख दिया, आप भी अपने स्कूल का यहाँ नाम लिखेंगे। माई फेवरेट कलर इज डैश, आपका जो भी फेवरेट कलर है, रेड है, ब्लू है, वाइट है, ग्रीन है, जो भी आपका फेवरेट कलर है उसका नेम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा रेड। माय फेवरेट फ्रूट इज, आपका जो भी फेवरेट फ्रूट है, जैसे मैंगो है, ग्रेप्स है, एप्पल है, जो आपको पसंद है फ्रूट वो उसका नेम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा मैंगो, आप भी अपना फेवरेट फ्रूट यहाँ लिखेंगे। आई लाइक टू प्ले डैश राइट योर फेवरेट स्पोर्ट, जो भी आपका फेवरेट गेम है, जैसे कि लूडो है, कैरम बोर्ड है, या आपको क्रिकेट पसंद है या बैडमिंटन पसंद है, जो भी आपका फेवरेट गेम है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, जैसे मुझे लूडो पसंद है तो मैंने यहाँ लूडो लिखा है, आपका जो फेवरेट गेम है आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके नाउ लेट अस रीड अबाउट माई फैमिली, अब हम अपनी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे है जो ये पेस्ट योर फोटो हेयर, यहाँ आप अपनी पिक है, जो फोटो है वो पेस्ट करेंगे, आप अपनी फोटो लगाएंगे। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक माई फैमिली, मेरा परिवार। आई स्टे विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ
रहता हूँ या रहती हूँ। माय फैमिली हैज डैश मेंबर्स, आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, 4 है 5 है या 6 हैं, उतने आप लिख सकते हैं। जैसे मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो मैं यहाँ लिखूँगी 4 मेंबर्स। आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं आप लिख सकते हैं। माई मदर्स नेम इज़, यहाँ आप अपनी मदर का नेम लिखेंगे। जैसे आपके जो भी आपकी मदर का नेम है, मैंने लिखा मिसेस रानी, आप अपनी मदर का नेम लिखेंगे। माई फादर्स नेम इज़, आपके जो फादर का नेम है वो लिखेंगे मिस्टर कमल, जो भी आपके फादर का नेम है वो लिखेंगे। ओके, माई फादर एंड मदर आर टुगेदर कॉल्ड माई पेरेंट्स, मेरे जो फादर हैं और मदर हैं उनको हम एक साथ क्या कहकर बुलाते हैं, माई पेरेंट्स। पेरेंट्स कैसे बुलाते हैं, माता पिता कहकर बुलाते हैं। दे लव मी एंड टेक केयर ऑफ मी, वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी देखभाल भी करते हैं। माई पेरेंट्स हेल्प मी टू कम्प्लीट माई होमवर्क, या हम अपने लिखेंगे होमवर्क। एंड आल्सो प्ले विद मी, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरा होमवर्क कंप्लीट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड आल्सो प्ले विद मी, और मेरे साथ खेलते भी हैं। ओके, सो नाउ ऑल ऑफ अस लिव टुगेदर इन ए फैमिली, हम सभी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। ए फैमिली में भी स्मॉल और बिग, एक फैमिली स्मॉल भी हो सकती है और बिग भी हो सकती है, मतलब छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। सो ए स्मॉल फैमिली विद द फादर मदर एंड चाइल्ड और चिल्ड्रन, एक जो स्मॉल फैमिली होती है, छोटी फैमिली होती है, उसमें हमारे साथ कौन कौन रहते हैं, फादर रहते हैं, मदर और बच्चे शामिल हो सकते हैं। इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली, ऐसी फैमिली को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे। जैसे कि आपको पिक में दिखा रखा है, ये देखो, ये है एक स्मॉल फैमिली है जिसमें क्या है, फादर भी है, मदर भी है और बच्चे भी हैं। इसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल फैमिली कहेंगे, न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे। ओके, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ वन फैमिली और नॉन सिबलिंग्स, जो हमारे ब्रदर्स और सिस्टर होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, सिबलिंग्स कहेंगे। सिबलिंग्स के रूप में जाने जाते हैं जो हमारे भाई बहन होते हैं। सो सिबलिंग्स ग्रो अप इन द सेम हाउस, जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं, मतलब जो हमारे भाई बहन हैं, वो कहाँ हमारे साथ एक ही घर में रहते हैं, सेम हाउस, हम सब एक ही घर में रहते हैं। एंड शेयर थिंग्स विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, जैसे हमारे टॉयज हो गए, हमारे कपड़े हो गए या हमारे खाने पीने की चीज़ें हो गई, हम भाई बहन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ओके, सो ए बिग फैमिली विद द फादर मदर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स, जो एक बड़ी फैमिली होती है उसमें हमारे साथ कौन कौन रहते हैं, फादर भी रहते हैं, मदर भी, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब जो हमारे पापा हैं, मम्मा है और हम बच्चे, और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे दादा दादी जी, वो हमारे साथ रहते हैं। इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली, ऐसी फैमिली को हम क्या कहेंगे, जॉइंट फैमिली कहेंगे, बड़ी फैमिली कहेंगे। जो छोटी फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, उसमें तो सिर्फ हमारे मम्मी पापा और हम बच्चे रहते हैं,
जो बड़ी फैमिली होती है उसमें हमारे मम्मी पापा, हम बच्चे और हमारे दादा दादी जी भी रहते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं, ताया ताई जी भी हो सकते हैं। तो वो फैमिली को हम क्या कहेंगे? जॉइंट फैमिली कहेंगे। जैसे कि आपको पिक में दिखा रखा है, ये है एक बिग फैमिली है, ठीक है। इसमें कौन कौन है? दादाजी हैं, दादी जी हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं हमारे, मम्मी पापा भी हैं, और कौन हो सकते हैं? बच्चे। तो ये क्या होगी? बड़ी फैमिली होगी। तो हम इसे क्या कहेंगे? जॉइंट फैमिली कहेंगे। नाउ आवर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर आर कॉल्ड आवर ग्रैंड पेरेंट्स। जो हमारे ग्रैंड फादर हैं मतलब हमारे दादाजी, और ग्रैंड मदर हैं हमारी दादी जी, उन्हें हम क्या कहकर बुलाते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, आवर ग्रैंड मदर इज द मदर ऑफ आवर मदर फादर, मदर और फादर। जो हमारे ग्रैंड मदर हैं, हमारी दादी जी भी हो सकती हैं और हमारी नानी भी हो सकती है। मतलब कि जो हमारी ग्रैंड मदर होती हैं वो हम दादी जी को भी ग्रैंड मदर बोल सकते हैं और अपनी नानी जी को भी ग्रैंड मदर बोल सकते हैं। तो जो हमारी ग्रैंड मदर होती है वो क्या होती हैं? वो हमारी मदर की भी मम्मी हो सकती है और हमारे फादर की भी मम्मी हो सकती है। ओके, आवर ग्रैंड फादर इज द फादर ऑफ आवर फादर और मदर। इसी प्रकार जो हमारे ग्रैंड फादर होते हैं, जो हमारे दादाजी होते हैं या नाना जी होते हैं, हम अपने नाना जी को भी ग्रैंड फादर बोल सकते हैं। तो वो क्या है? वो हमारे फादर के भी फादर हो सकते हैं। हमारे जो ग्रैंड फादर हैं वो हमारे मदर के भी फादर हो सकते हैं। जैसे कि आपके दादाजी हैं वो आपकी मम्मा के भी फादर हो सकते हैं और आपके पापा के भी फादर हो सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारे नाना जी होते हैं वो भी आपके मम्मा के भी फादर हो सकते हैं और आपके फादर के भी फादर हो सकते हैं। ओके, समटाइम्स वी मे फाइंड अंकल आंटीज एंड कजन्स ऑल्सो इन ए जॉइंट फैमिली। कभी कभी जॉइंट फैमिली में हमारे अंकल आंटी, चाचा चाची एंड कजन्स, जो हमारे चाचा जी के बच्चे हो सकते हैं या ताया जी के बच्चे हो सकते हैं, हमारे कजन्स वो हमारे ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? वो हमारे कजन ब्रदर्स होते हैं और वे भी हमारी जॉइंट फैमिली में शामिल हो सकते हैं। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस मोर अबाउट सिंगल पेरेंट फैमिलीज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।